मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरते चले जाना। सीधे स्वस्थ सहज आसन में बैठकर शरीर ढीला छोड़ देना, कमर थोड़ी सी सीधी रखना। सहज पूर्वक बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है उसको देखते चले जाना। साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना। एक निष्पक्ष निरपेक्ष ऊर्जा हो जाना, तुम जागी रहना। करना कुछ नहीं, केवल देखते रहना, लगातार देखते रहना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर अंधेरा ही अंधेरा है, सन्नाटा है। तुम इन अंधेरों का अनुभव लेते चले जाना, तुम देखते चले जाना। गैर जरूरी विचारों को खारिज करते हुए तुम सदा ही अपने प्रकाश पुंज में उतरते चले जाओगी। विचारों विकारों के जाल ने तेरे प्रकाश को ढांका है। दिन भर की व्यवहार की धूल भीतर जम जाती है, उसे धो डालना बहुत जरूरी है, वरना वही टेंशन का कारण बन जाती है। वही स्ट्रेस, पैनिक, एंग्जाइटी का कारण बनती है। जो जो अंतर्मुखी होती जाओगी, त्यों तो सुख शांति के भंडार, आनंद मस्ती के लहलाहाते खजाने हाथ लगते चले जाएंगे, क्योंकि ये खजाना भीतर है, बाहर नहीं। बहिर्मुखी जीवन के कारण हमने सोच लिया कि परमात्मा भी बाहर है, उसका मिलन भी बाहर है, उसकी पूजा पाठ हवन यह सब बाहर है। ये हमारी बहिर्मुखता के कारण है, बाहर कभी आज तक किसी को नहीं मिला। जब भी मिला तेरे हृदय द्वार पर मिला, जब भी तुझे मिला अपने भीतर के द्वार पर मिला। उस मिलने के पश्चात तो बाहर के जगत में भी उसको देख पाया, फिर उस दृष्टि का उद्घाटन हुआ, फिर उस दृष्टि का आगमन हुआ जिसे दिव्य का, डिवाइन आई का। अपने ही भीतर उतर के पाजा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अपने भीतर स्वयं स्वरूप का तो बन, अपनी तो पहचान कर ले, अपने को तो जान ले। खुद को जाने बिना तो खुदा को कैसे जानेगा, कैसे समझेगा। स्वयं स्वस्थ पूर्ण हुए बिना तो कैसे जानेगा प्रभु की लीला को, दुख में कैसे जानेगा। तो कभी क्वेश्चन न उठाना कि दुख क्यों है, सदैव क्वेश्चन उठाना दुख कैसे जाए। किसी भी संत सदगुरु के द्वार पर ध्यानस्थ अवस्था में डूबते ही पता चल जाएगा कि दुख कैसे भागते हैं, दुख कैसे विदा हो, ये प्रश्न उठाना। दुख कहां से आए, कैसे आए, क्यों आए, ये फजूल की बातें ना करना। तुम ध्यानस्थ अवस्था में डुबकी लगाते ही जानोगे दुख है ही नहीं कहीं, सब और सदैव आनंद ही आनंद है।
भीतर की आंख को अवसर देना जीवन के आविष्कार का। जीवन का आविष्कार अंतर्मुखता में होता है। अंतर्मुखता है द्वार तेरे जीवन का, जिसको मौत छू नहीं सकती। मेडिटेशन तुझको अपने स्वरूप अपने स्वभाव की याद दिलाता है। वो कीमिया है जो तेरे सारे रोगों को काट के रख देता है। मनोरोगों का एकमात्र इलाज है मेडिटेशन। इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ टेंशन फ्री स्ट्रेस फ्री लाइफ। बाबागो शिहारात दिशाई मेरी ही बेबसी दी देनी पई गवाही। मेरी ही बेबसी दी देनी पई गवाही। गौंदी हाँ गीत गम दे गौंदी हाँ गीत गम दे लुट्टी तेरे खयाला महरम दिला दे माही मोड़ी गा कद मुहरा। महरम दिला दे माही मोड़ी गा कद मुहरा।
दिन रात तड़प देने, दिन रात तरस देने, अरमान बेशुमार महरम दिला दे माही, मोड़ीगा करे मुहारा महरम दिला दे माही, मोड़ीगा कर मुहारा। क्या बताएं तेरी फुरकत की रात दिन किस तरह गुजरते हैं, हाल ये है कि तेरे दर की कसम हम न जीते हैं न मरते हैं, रात दिन एक तेरा रुदन तेरी इंतजार ही, तेरी प्रीत का दुखड़ा तेरे विरह में डूबी हुई जिंदगी, एकमात्र व्यथा गाती हुई ये जिंदड़ी, रात दिन जागे जागे तेरा इंतजार करती है, इन आंखों से नींद विदा हो गई। तमाम तमन्नाएं इस मन की विदा हो गई, कोई और इच्छा कोई और कामना कोई और आकांक्षा न बची, सब तेरे द्वार पर लुट गया, सब एक तेरी प्रीति ने तेरे प्रेम ने एक तेरे प्यार ने तेरी मोहब्बत ने तेरे हकीकी इश्क ने क्या नाता जोड़ा कि सब नाते टूट गए, सब विदा हुआ है। एक तेरे विरह ने पकड़ा, तेरी याद तेरी स्मृति ने क्या पकड़ा कि रात दिन सागर छलकते हैं आंखों से, सागर ये नजरें सागर बहाती हुई स्वयं को नहलाती हुई एक एक आंसू में तेरा इंतजार करती है। विरहन दी आस वांगर तारे जा टलक दे, विरहन दी आस वांगर तारे जा टलक दे, नैना दे दो प्याले पर पर के छलक दे, नैना दे दो प्याले पर पर के छलक दे, नैना दे दो प्याले पर के छलक दे, हर वेले तेरी आहे हर वेले तेरी आहे, लब दी फिरा नुहारा महरम दिला दे, मोड़ेगा कदम हारा महरम दिला दे माही, मोड़ेगा कदम हारा, हर वेले तेरी आहे हर वेले तेरी आहे, लब दी फिरा नुहारा महरम दिला दे माही, मोड़ेगा कदम हारा महरम दिला दे माही,
मोड़ेगा कदम हारा। दिन रात तड़प देने, दिन रात तरस देने, अरमान बेशुमारा महरम दिलांद माही मोड़ेगा कदम हारा। मेरे दिलांद माही मोड़ेगा कदम हारा, महरम दिलांद माही मोड़ेगा कदम हारा। बहुत ढूंढा तुझे, बहुत बहुत तेरी तलाश किया, बहुत खोजा तेरा पता कहीं नहीं चला। रात दिन तेरे लिए तड़प तड़प के गुजार रहे हैं, किंतु तेरी कोई प्रेम पाती, तेरा कोई आने का, तेरा कोई आगमन का कोई खबर, कोई किसी प्रकार की आशा का बादल आंगन पर मंडराता हुआ दिखाई नहीं देता। अभी तक जीवन गुजरा जा रहा, ये जवानी गुजरी जा रहा है, ये बचपन गुजरा जा रहा, यूं ही गुजरा जा रहा, कहीं कोई तेरा आता पता हाथ नहीं लग पा रहा। एक मात तेरी याद, तेरी प्यास, तेरे विरह ने रात दिन ऐसा पकड़ा है कि उसी में सारी जिंदगी डूबती चली जाती है, परंतु अभी तक कोई झलक तेरे दीदार की, तेरी दीद की हाथ नहीं लग पा रही। मालूम नहीं ये घड़ियां कब नसीब होंगी, मालूम नहीं ये पात्रता कब निर्मित होगी, मालूम नहीं कहीं ऐसा ना हो कि इसी रुदन में ही जीवन चला जाए। परंतु तेरी मर्जी, तेरी रजा, एकमात्र तेरी मर्जी, तेरी रजा, तेरी मर्जी, तो आना, हम तुझे पुकारे चले जाएंगे, हम तेरी राहों पर यादों के दीप जलाते चले जाएंगे, हम रात दिन अपने अरमानों को कुर्बान करते चले जाएंगे, हम रात दिन तेरी इंतजार में। महरम दिला दे माही मोड़ेगा कदम हारा, महरम दिला दे माही मोड़ेगा कदम हारा। दिन रात तड़प देने, दिन रात तड़प देने, अरमान बेशुमारा महरम दिला दे माही मोड़ेगा कदम हारा, महरम दिला दे माही मोड़ेगा कदम हारा, महरम दिला दे माही मोड़ेगा कदम हारा।
मालिक बहुत अच्छे चल रहा था, बहुत अच्छे चल रहे थे हम, जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी। क्यों तेरी गली याद आई, क्यों तेरी याद हृदय में समाई। जीवन यूं ही गुजर जाता, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे चल रहे थे, बहुत अच्छी गुजर रही थी, बहुत अच्छा सर्कल था, बहुत अच्छी मान प्रतिष्ठा की शिखाएं प्राप्त थी, बहुत वाह वाही की दुनिया थी, बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ी प्रतिभा, बड़ी आभा थी जिंदगी में। बड़े सियाने कहलाते थे, बड़े बुद्धिमान कहलाते थे, बहुत बुद्धिमता के शिखर थे हम, हम बहुत शिखर थे अपने मान प्रतिष्ठा के। बहुत अच्छा चल रहा था जीवन मालिक, क्यों तेरी गली याद आई। जहां न सूरतें बची, न अकले बची, न शक्ले बची, सब अकल शकल सूरतें सब विदा हो गई। एक रुदन की घड़ी हाथ लगी, एकमात्र पागलपन हाथ लगा, एकमात्र तेरी दीवानगी ने चाहूं और अपना डेरा जमा लिया। एक तेरा विरह, इसके सिवा कुछ ना बचा। जिंदगी यूं ही गुजर जाती, बहुत अच्छा था। क्यों तेरी राह गुजर याद आई, क्यों तेरी राह गुजर याद आई। लोग कहते हैं पूजा करो, पाठ करो, सिमरन करो, जाप करो, हवन यज्ञ करो, कोई दान पुण्य करो, कोई तीर्थ स्नान करो, तुम सुखी हो जाओगे। हमने तो सुना था प्रभु तेरे द्वार पे आने वाला व्यक्ति बहुत सुखी होता है। तेरे प्रेम में डूबा हुआ इंसान मालो माल होता है, बहुत बड़ा बादशाह होता है, बहुत दुनिया का मालिक हो जाता है, वही दुनिया का एकमात्र वाली माली कहलाता है। तेरे द्वार का प्रेम इंसान को आबाद कर देता है। हमने तो बहुत राम कथा भागवत कथा में बैठ के सुना था, बहुत सुना था तेरे भक्तों के द्वार पर बैठ करके, तेरे प्रचारकों के द्वार पर बैठ करके बहुत सुना था, तेरे द्वार के विद्वानों के पास बैठ करके। परंतु क्या मालूम था कि वो केवल एकमात्र चकमे ही चकमे थे। तेरे दर के प्रेम ने क्या बाधा कि जो थोड़ा बहुत सुख बचा था वो भी लुट गया। कोई चैन, कोई सुख, कोई आराम तेरे पास आकर के कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। ये श्वास भी लड़खड़ा गए, ये श्वास भी चलने से इनकार कर गए, क्योंकि जिंदगी श्वासों से भी ज्यादा गहरी है। उसकी प्यास, उसकी दर्द, उसकी विरहागन इन श्वासों से भी गहरी है। श्वास तो केवल शरीर को बचाने के लिए है, ये तो बड़े उथले उथले हैं, बहुत उथले उथले हैं। ये श्वास तो केवल शरीर को, एकमात्र शरीर को चलाने के लिए चल रहा है, शरीर को बचा रहे हैं, शरीर को चला रहा है। ये श्वास बहुत उथले हैं, ये गहरे नहीं हैं, इसलिए उसके विरह में, उसकी प्यास में डूबे इंसान को भी सांस लेना भी मुश्किल होता है। सांस भी क्यों लिया जा रहा है, सांस भी क्यों, क्वेश्चन उठता है विरह अगन के द्वार पर। इतना बड़ा दुखड़ा है तेरा प्रेम, तेरी प्रीति का द्वार, तेरे प्रेम का द्वार, जहां कोई सुकून नहीं, कोई सुकून नहीं। जो थोड़ी बहुत शांति सुख था वो भी तेरे प्रेम में पड़कर के डूब मरा, वो भी विदा हुआ। कोई आराम नहीं, कोई शांति नहीं, कोई किसी प्रकार का सुख चैन नहीं बचा। रात दिन की तड़पन, रात दिन का विरह, रात दिन की प्यास, रात दिन का रुदन, रात दिन की पुकार, एकमात्र बेचैनी, क्योंकि तेरे बिना चैन का। रात दिन
दुख ही दुख है, रात दिन रुदन ही रुदन है। एक बात तो तेरी इंतजारी में, तेरी प्रतीक्षा में, एकमात्र तड़पन ही तड़पन हाथ लगी है। एकमात्र दुख है रात कैसे गुजरे। एक भोगी जवान भी कहता है रात नहीं गुजरती, और एक प्यासा जवान कहता है ओ मालिक तेरे बिना रात नहीं गुजरती। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। जब सारी कायनात सोती है अर्जुन, मेरे दीवाने जागते हैं, रो रो के पुकारते हैं। सारा आलम उनके आंगन में उतरा होता है, सारे महासागर उनकी नजरों में उतरे होते हैं। वो रात दिन दुनिया सोती है और वो जागती है, सारी सारी रात जागते हैं मेरे संयमी, मेरे भक्त दीवाने। सब ओर से अपनी चेतना को अखंड रूप बनाकर के रुदन की घड़ियां उतार लेते हैं। वो रुदन जो मेरे ही सागर से छलका है, जो मेरे ही विराट से उतरा, जो उसको स्नान कराने के लिए उतरा है, मेरे ही द्वार का उतरा हुआ विरहा मुझ विराट को पुकारने में समर्थ हो जाता है। विरहा में ही विराट का दर्शन होता है, विरहा में ही विराट का जन्म होता है। विरहा एक गर्भ है जहां से प्रभु का जन्म होता है, वो विराट प्रकट होता है। कहा कोई सकूत नहीं, जो भी उसके प्रेम में उतरा कहीं चैन नहीं। प्रभु प्रेम ही सच्चा प्रेम है। संसारिक प्रेम में उतरे हुए प्रेमी प्रेमिका उनको भी कोई सुकून नहीं। गर दूरियां आ जाए, गर देरियां हो मिलन की, उन्हें भी कोई सुकून नहीं। किंतु उनके दुख में, उनकी पीड़ा में प्रेम नहीं वासना है। एकमात्र वासना के अंधेरे है। उनका दर्द बहुत सीमा में है, बहुत कमजोर है उनका दर्द। उनकी पुकार, उनका प्रेम एकमात्र अपने सुख की छाया में डूबा है। एकमात्र वासना कामना का पुलिंदा है, परंतु प्रभु प्रेम जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, जिनमें किसी प्रकार की भी आशाओं की लहरें तरंगे नहीं, बहुत बहुत गहरा, बहुत गहन, जहां श्वास भी नहीं पहुंच पाता, जहां कोई शब्द नहीं पहुंच पाता, जहां कोई भाषा नहीं पहुंच पाती, इतना गहरा कि जहां श्वास लेना भी दुखदायी होता है। ये रात दिन का गम रोम रोम रोआ रोआ स्नान करता है 24 घंटे। मेहरम दिला दे माही मुड़ीगा कद मुहारा। मेहरम दिला दे माही मुड़ीगा कद मुहारा। दिन रात तड़प देने, दिन रात तड़प देने, अरमान बेशुमारा। मेहरम दिला दे माही मुड़ी का कदम हारा। मेहरम दिला दे माही मुड़ी का कदम हारा। मेहरम दिला दे माही मोड़ी का कदम हारा।